आज एक ही क्लास में ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट ही कर, एक ही क्लास में एक यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लास है हिंदी इंग्लिश उड़िया उड़िया तीनों लैंग्वेज में रहेगा, सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओडिया पे केत आसे कमेंट बॉक्स रे लिख लो, आज मो लाइव अच्छी ना रेगुलर बेसिस रे ये क्लास तुमको रिकॉर्डेड मिली मिल बट मुझे लाइव अच्छी, ठीक अच्छे। तो चलो पिला स्टार्ट करवा, सब जिन ठीक ठाक अच्छे ना टे जन दियो, देन आम स्टार्ट करवा। पिक्चर वॉइस सब ठीक ठाक अच्छे ना टे जन दियो। मनिका पुष्टि गुड इवनिंग सर, ओके गुड इवनिंग। रीना गुड इवनिंग, ओके ठीक है। चलो चलो क्लास के लिए क्या करेंगे, हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे www.orsp.co.in। चलो विजिट करते हैं। जैसे विजिट करोगे ऐसे इंटरफेस आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जाना है डीसी का सेक्शन में, DC1 का Unit 3 पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। तो चलो मैं ओपन कर चुका हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब में सर्च मारे उड़ीसा रीजनल स्टिपेंड, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, ORSP Education, ठीक है। चलो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। यस, तो चैप्टर का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसका प्रिंसिपल्स क्या होता है। जैसे कि हम कुछ मतलब हम कुछ पढ़े थे, याद है यूनिट 2 में क्या पढ़े थे ना सर, देर इज ए सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी मतलब यूनिवर्सल पैटर्न, मतलब कुछ यूनिवर्सल पैटर्न है डेवलपमेंट का, है हाँ सर है। और कुछ डिफरेंसेस भी है, मतलब सर मतलब डिफरेंसेस भी है, हाँ डिफरेंसेस भी है और सिमिलरिटी भी है, मतलब यूनिवर्सल पैटर्न है और सभी के लिए डिफरेंट। जैसे कि सभी डिफरेंस कैसे, जैसे कि घर में दो बच्चा, मैं ऑलरेडी पढ़ाया था फिर यूनिट 2 में, दो बच्चे का डेवलपमेंट का जो आपका रेट है वो अलग हो सकता है। कोई बच्चा 2 साल में अच्छी से बात कर पा रहा है, कोई बच्चा को 3 साल भी लग जाएगा, हाँ कि नहीं। लेकिन प्रोसेस यूनिवर्सल पैटर्न रहेगा, लेकिन उसमें डिफरेंसेस भी रहेगा। ये मैं पिछले जो यूनिट है उसमें पढ़ाया था। पहले ऐसे की मन पड़ी यूनिट 2 समस्त कवर करते तो कमेंट बॉक्स में लिख लो। जो आ पूर्व जो 5टा क्लास हो जाइए, आज हूँ डे 6, आ पूर्व जो 5टा क्लास हो जाइए, 5टा डे 5 क्लास हो, समस्त देखी सारे तो। इससे पहले जो मैं 5 क्लास कवर कर चुका था, 5 वीडियो ऑलरेडी दिया हूँ आप लोगों को, इंट्रोडक्शन वीडियो और 5 वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ और 5 जो क्लास वीडियो, DC1 का Unit 1 Unit 2, टोटल 5 वीडियो हुआ था और इंट्रोडक्शन वीडियो एक, वो पूरा आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि नहीं थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी आगे जाएंगे। हाँ अभी आ गया कि हाँ सर ये सब हम पढ़े थे, अभी इसमें क्या है प्रिंसिपल्स और क्या है। जैसे कि लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें आ रहा है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। यस डायरेक्शन भी है, मतलब पहले लेट से एक ह्यूमन बींग हो गया, ठीक है, ये इसका हाथ हो गया इधर, लेट से इधर हाथ हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसका हेड टू टो, पहले हेड ये हो गया, हेड ये टो ये हो गया, पैर दो पैर हो गया, तो ये हेड टू टो डेवलपमेंट पहले होता है। तो मतलब ये एक डायरेक्शन हो गया, हेड टू टो मतलब ऐसे हेड टू टो डेवलपमेंट आगे होता है, तो इसलिए एक डायरेक्शन डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन भी है। रेट ऑफ डेवलपमेंट भी है, मतलब ऐसे नहीं कि आप सोचिए, हाँ ओके अंजुलता यस, तरंगिनी यस, ओके समस्ते निहाते पढ़ीबा दरकार, ना पुणी कौन करिबो, ओके। तो आप परे ये क्लास के बाद और एक 9 बजे भी क्लास है, उसमें मैं PYP पढ़ाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन DC1 का, तो आप लोग को आना है। वो आधा घंटे का क्लास रहेगा, आप लोग को जितने अभी जितने लोग भी देख रहे हो सभी लोग को आना है वो क्लास में, ठीक है, रात के 9 बजे। हाँ तो हेड टू टो डेवलपमेंट एक हो गया, रेट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो गया आपका हेड हो गया, ठीक है, ये आपका हाथ हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सभी हेड जितना बड़ा होगा हाथ भी उतना बड़ा होगा, ऐसे होता है क्या, नहीं ना, सभी के लिए अलग रेट है। मतलब मतलब आपका पैर का डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट अलग रेट में होगा, आपका हेड का अलग होगा, आपका हैंड का अलग होगा, सबका डेवलपमेंट का रेट अलग रहेगा। मतलब रेट में पिला बुझी बच्चे, रेट मैंने कौन,
ମାନେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ବଡ଼, ମାନେ ଛୁଆଟି, ଗୋଟେ ଛୁଆଟି, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଧର, ତାର ଧର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତ ତା ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ହାତ ବି ସେତିକି ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ସେମିତି ହବ କି? ନାଇଁ ନା, ହାତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ୁଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କମ୍ ବଢ଼ୁଥିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ରେଟ୍ ଅଲଗା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ରେଟ୍ ମାନେ ହଉଛି ହାର। उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चीज है, मैं इसको बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा पार्ट में आपको रखा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के पार्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रखा हूँ, जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। अब मैं इसको बिल्कुल समझाऊंगा। और एक रह गया क्रिटिकल पीरियड, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रखा हूँ, जो का आपको एग्जाम में आएगा। क्रिटिकल पीरियड मतलब एक बच्चा 0 से, मतलब पैदा हुआ टू 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर, नहीं तो और आगे बढ़ाकर 2 ईयर तक मैं बोलूंगा, ये क्रिटिकल पीरियड है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम में अच्छा न्यूट्रिशन होना, मतलब लैक्टेशन भी सही से होना, हेल्थ केयर भी सही से होना, सारी चीज सही मिलेगा तो एक बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट होगा, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत होगा, हाँ कि नहीं? तो यही चीज है, हम बिल्कुल आपको, हाँ बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं क्वेश्चन में मैं बिल्कुल इसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन से चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका एक्स, इधर मैं जैसे कि आपको मालूम है, इधर आपका वीडियो आ जाएगा अभी क्लास होने के बाद, और इधर आपका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी मैं पहले से पढ़ाया हूँ, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? तो ये पहले एक क्वेश्चन ही लगा देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1 ओनली शॉर्ट क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन लगा दिया हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा जूम इन किया हूँ, तो चलो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन मतलब इस ऐसे क्वेश्चन, आपका बुक में ऐसे क्वेश्चन है, जस्ट ऐसे कलम को टच करवाना है, तो इसलिए थोड़ा इधर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दिया था। इसीलिए बोला कि हेड टू टो डेवलपमेंट। हेड टू टो डेवलपमेंट कौन सा है? हेड टू टो पहले के, मतलब मुझे जोटा कहली जे प्रथम कौन हम, हेड रो डेवलपमेंट हम, धीरे धीरे टो पर्यंत डेवलपमेंट जीव, बुझिपार पिला? हाँ, मधुस्मिता साहू जोटा कहू जी सर, आप गोटे जानुरी 2022 पिला सेसन हो ना, अलग ग्रुप आयारी हेनी, बहुत ग्रुप हो गोटे ग्रुप इग्नो हेल्पलाइन बाय ओआरएसपी, एटा हूँ कॉमन ग्रुप टू ऑल, तापरे तुमर ओआरएसपी फ्रेंड सर्कल, ये दुटा को ग्रुप रे तुम रहा दरकार। इग्नो हेल्पलाइन बाय ओआरएसपी ग्रुप हूँ तुम ऑफिशियल ग्रुप, एथिरे सबू ब्याच्र पिला रही सरगला, देन ओआरएसपी फ्रेंड सर्कल एटा हूँ जस्ट तुम मानक किसी डाउट अच्छे, मैंने ये दुटा मैंने तुम डीसी पिला, ये दुटा को ग्रुप रही दरकार, इग्नो हेल्पलाइन बाय ओआरएसपी आउटा हूँ ओआरएसपी फ्रेंड सर्कल है। ओके, तो यही हूँ कथा, तो समस्ते निहाती क्लास भी रेगुलर करवा दरकार। अब ए टॉपिक को आसवा, हेड टू टो डेवलपमेंट कौन ना, आगे मुंडर डेवलपमेंट हम धीरे धीरे गोड़ पंद सेंटर टू एंड डेवलपमेंट कौन ना, यहाँ जी आम ह्यूमन ये सेंटर टू एंड मानते एमती भी डेवलपमेंट हुए, सेंटर टू एंड आड़ को डेवलपमेंट हुए, देन डिफरेंशिएशन आउट हूँ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन माने हूँ समस्त को अलग अलग काम दबा, माने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गोटे एग्जांपल देवे। ओके, तुम्हें भाभी दे मुझे डिफरेंशिएशन आउ इंटीग्रेशन गोटे एग्जांपल, एग्जांपल हूँ यार दीदी मु कह गोटे डाइजेशन सिस्टम कह, डाइजेशन सिस्टम कौ सिस्टम जोटा कि तुम डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम कौन कौन आसला तुम, प्रथम आसला माउथ है ना, तापर आस इसोफागस गोटे नली टाइप जोटे खाद्य नली जाए, तापर आसो स्टोमाक, आसो स्टोमाक रु पुणी जीव कौटी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को जीव, तापर पुणी लार्ज इंटेस्टाइन को जीव, एमती ही प्रोसेस बहुत आसीगला। तो ये समस्त देख, पाटीर काम अलग, इसोफागस काम अलग, स्टोमाक्र काम अलग, देन तापर स्मॉल इंटेस्टाइन काम अलग, तापर हूँ लार्ज इंटेस्टाइन काम अलग, समस्त काम अलग, यही अलग अलग जिनस हूँ डिफरेन्सीएसन, आ समस्ते मिसिकी डाइजेसन प्रोसेस कले सही इंटीग्रेसन। मुझे आशा कर बुझीपाल है, मुँह आशा कर बुझीपाल, तो यहाँ हूँ इंटे मानने तुम डिफरेन्सीएसन आईटा हूँ इंटीग्रेसन, निहां आगे पढ़ाता व्यस्त होबार ना है। देन कथा आसला, हाँ
ଏଠି କାହାକୁ କ'ଣ ଟଚ୍ କରିବା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଖୋଜି ଦିଅ। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମଦର୍ସ ଭଏସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କଠୁ ତା ମାଆର ଭଏସ୍ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଭଏସ୍ରୁ ମାଆର ଭଏସ୍ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସେ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। ଏଠି ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଗଲେ, ଦେନ୍ ସେଟର୍ ଟୁ ଏଟ୍ ଏଇଟ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୟୁଜେସ୍ ହୋଲ୍ ଆର୍ମ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲର୍ନ ଦ ମସଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପିକଅପ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ତମର ସେଣ୍ଟର୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେବ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲେଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ଦ ଲୋୟର ପାର୍ଟ। ସେ କହୁଛି ଆଗେ ନେକ୍ ମାନେ ବେକ ପାଖରୁ ଲୋୟର ଆଡ଼କୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ହେଡ୍ ଟୁ ଟୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଭରାଲ୍ ତମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବି ସାଇଜ୍ କରି ତଳେ ପିଲା ଲେଖିଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ, ଦେଖ ସାଇଜ୍ କରି ଲେଖି ତାକୁ ତମେ ପଢି ପାରିବ ବା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଲି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସୁଛି 17ଟା ପିଲା କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2 ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍, କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ତମେ ଭଲସେ ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେରିଅସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବଡି, ତମେ ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଆଇଲି ବା, କ'ଣ ପିଲା ଲେଖ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ, ଏବେ ଲିଳିମା ରୋଜାଲିନ ଦେବସ୍ମିତା ରୀନା ସମସ୍ତେ ଲେଖ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଯେ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେରିଅସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବଡି କ'ଣ ହେବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଁ ହେବ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଆସିଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଁ ହେବ। ଦେନ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲ, ବୟ ଆଉ ଗର୍ଲ ଓବିଏସଲି ଇଏ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ହେବ, କ'ଣ ସମାନ ହେବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଲେଖ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ପକାଅ, ଦେୟାର ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଏଜେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରିଚ୍ ଦ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲେଟ୍ସ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଲେଟ୍ସେ ଗୋଟେ ପିଲା କଥା କହିବ, ତିନିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଗଲେ, ଧର ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଗଲେ ପିଲା କଥା କହିବ, କିଏ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ କହିବ, କିଏ ବର୍ଷକରେ କହିବ, କିଏ 2 ବର୍ଷରେ କହିବ, କିଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ବି କହିବ, ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ, ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତ ଏଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ରିଡ୍ ଦ ଏଇଟା ସରିଗଲା, ତାପରେ ବି ସେମିତି ଦେଇଛି ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ, ଚାଲ ଦେଖିବା। କହିଛି ମାଚୁରେସନ୍ ରେଫର୍ ଦ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରେଡିନେସ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଏ ଟାସ୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୁ ପରଫର୍ମ ଏ ଟାସ୍କ ଅର୍ ଲର୍ନ ଏ ସ୍କିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଚୁରେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଚୁରେସନ୍ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ତାର କ'ଣ, ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ମାଚ୍ୟୁର ହେଇଛି, ମାଚ୍ୟୁର ହେଇଛି ମାନେ ତମେ ଭାବନି ଯେ ମାଚ୍ୟୁର ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲାନି ମାଚ୍ୟୁର ନାହିଁ, ସେ କଥା ପଡ଼ିନି ଏଠି। ମାଚ୍ୟୁରେସନ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଛୁଆ ପିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରେଡି ଥିବ ସେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡାଇଜେସନ୍ କଥା ହଉ, ଗୋଟେ ଡାଇଜେସନ୍ କଥା ଧର ଦେଖିବ, ତା ଆଖିଟା ଠିକ୍ ଥିଲେ ସିନା ସେ ଦେଖିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ସେ ତା ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଆମେ କହିବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରେଡି ଅଛି, ସେ ଭଲସେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାରଣ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ କଥା କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାଚ୍ୟୁରେସନ୍ କହିବା ହେଲା। ଦେନ୍ ବୋଥ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରେଡିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଏନି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏ ତ ସତ କଥା। ପ୍ରଥମ ତ ତମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଛି ଜିନିଷ ତମେ ସେ, ଧର ଗୋଟେ ପିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ହବ ହେଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଛି, ଲେଟ୍ ସେ ମୁଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛି ହେଲା। ଆଜି ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ 20 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିବି, 9ଟା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତମେ ନୂଆ ପିଲା ବି ଆସିବ, ପୁରୁଣା ପିଲା ତ ଆସିବେ ଆସିବେ, ଜାନୁଆରୀ 2022 ଆଉ ଜୁଲାଇ 2021 ପିଲା ବି 9ଟା ବେଳେ ଜଏନ୍ ଆସିବ, ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ 20 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ନିହାତି ଆସିବ ହେଲା। ତମର 9 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ତମର DC1 9 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଆଉ 14 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ, ତମେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ପିଲା ଟିକେ କହିଲ, ଯଦି ହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏମିତି ପଢ଼ାଉଥିବା, ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ଯଦି କିଏ ଆସିଲେ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଆଡ୍ କରିବା, କି ପିଲା ଟିକେ ଜଣାଉ ଯେ କେଉଁଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ତ ଏଇଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେ କ'ଣ, ଯେ ବୋଥ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରେଡିନେସ୍, ଏଟା ତ ଗଲା, ହଁ କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ୍, ହଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହଁ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପିଲାର ପାଟି ଥିବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ଜିଭ ଥିବା ଦରକାର, ସବୁ
सठिक भाव काम कर दरकार हाँ ना ना यहाँ होगा बायोलॉजिकल रेडिनेस हाँ ना ना देन एक्सपीरियंस से कौन तार अच्छी बोले गोटे छुआटा आज जन्म होगा तार सब अच्छी मैंने से कथ कहीपर कि ना कहीपर ताको धीरे धीरे सब शुणिकी एक्सपीरियंस करा पड़ो बर्षे प्राक्टिस करा पड़ो बापा मामा एम हजार कथा कहवाक पड़ो तापर जा भल से लांगुएज तार डेवलपमेंट हम कह तथा कह गोटे लर्निंग प्रोसेस गोटे डेवलपमेंट प्रोसेस बायोलॉजिकल रेडिनेस भी नेसेसरी ता सहित एक्सपीरियंस भी दरकार मुझे आशा कर मैंने बुझीपाल हाँ ठीक अच्छे ओके ठीक अच्छे गीतांजलि निहाते आम हिंदी भी कहवा ओडिया भी कहवा मैंने तेलुगु मुझे जानी हिंदी आउ ओडिया इंग्लिश तीन टा यूज करवा है ला? तो देन ऑप्शन नंबर सी क्रिटिकल पीरियड आर द ओनली टाइम्स फॉर द लर्निंग पर्टिकुलर एक क्रिटिकल पीरियड किसको बोलेंगे हम मैं जैसे कि बोला कि 0 to 2 ईयर क्रिटिकल पीरियड आपका हाँ कि नहीं इसी टाइम में एक बच्चा को पूरा अच्छा फेवरेबल एक्सपीरियंस मिलेगा फेवरेबल मतलब उसके लिए सही ठीक है फेवरेबल एक्सपीरियंस मिलेगा तो बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट होगा बच्चा उसका लैंग्वेज भी डेवलपमेंट हो जाएगा कग्निटिव भी डेवलपमेंट हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट सारे चीज हो जाएगा उसको अनफेवरेबल नहीं मिला तो लेट से उसको खाने के लिए सही सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा एक बच्चे को तो क्या होगा उसका बहुत सारे डिजीज हो सकता है हाँ कि नहीं उसका डेवलपमेंट सही नहीं होगा तो इसीलिए क्रिटिकल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए लिखा है यस ट्रू हाँ कि नहीं ओके चलो मुँह आशा कर पिला एटा को ओडिया कह पड़े तो मैंने बुझीगल तापर आम डायरेक्ट जम्प मार कौटी की जी एक्सरसाइज 2 को कहीं आम एक्सरसाइज 1 सारीदे से सर्ट क्वेश्चन अच्छे एक्सरसाइज 2 भी सर्ट क्वेश्चन अच्छी देख दि ये कौन दे एटी दे जस्ट गोटे कौन कौन एम गोटे कौटा पर कौन आसो चलो मुझे तुम टे ओवरऑल बुझे दूसरी देख पिला बेले बेले तुम 20 हो जाऊ बेले बेले तुम 15 हो जाऊ बेले बेले तुम 21 हो जाऊ कौन मुझे बुझीपरि अरे आसुच कहीं जाऊ कहीं तुमको देख मुझे कह ची एक तो 2 मंथ्रे मुझे टार्गेट कर 60 डे 60 जेब हम आज हूँ डे 6 है ना डे 60 जेबे हम तुम कोर्स कम्प्लीट हम मुझे डिसाइड कर तो आज हूँ डे 6 बट तुमने जब रेगुला न रहती तुमने हईराण हमारे पिला कौटी इग्नोर ये क्लास कौटी हो इग्नोर भी करनी सो निहाती सीरीयस पड़े जदि देख तुम्हें गोटे जॉब पे एडमिशन कर 90% कोर्स रखे तुमको निजे को भी सैटिस्फेक्शन लगे तो सहीटा तो पाठ पढ़ा पड़ो ना खाली होती तो सही हूँ कथा ओके छाड़ से कथा क्लास प्रति ध्यान दि तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर सब इन्फ्लुएंस करता है मतलब उसको प्रभावित करते हैं ना डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी भी प्रभावित करता है और एनवायरमेंट तो दोनों चीज क्या करता है ना डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है तो हेरिडिटी में आपका जीन आ गया इसके नीचे ये जस्ट बताना है कि किसके नीचे क्या है ऐसे क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा मैं समझा रहा हूँ एनवायरमेंटल फिर दो अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फैक्टर जो कि आपका डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है आपको एक लिखना है एनवायरमेंट हेरिडिटी और उसके बाद लिखना है एनवायरमेंट एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट भी दो टाइप का है एक है प्री नेटल एक है पोस्ट नेटल मैं आप सभी को पूछ रहा हूँ अभी 18 बच्चे देख रहे हो मैं सभी को पूछ रहा हूँ अनुसया दास किसी टेंशन नबार नहीं हाँ किसी हाँ लिखी दीजिए रोजालीन लिखी देख है मुझे तुमको पचार प्री नेटल कौन पोस्ट नेटल कौन टी कमेंट बक्स लिख दिए देन मुझे कहूँ है तो एक एक प्री नेटल डेवलपमेंट हो गया एक पोस्ट नेटल डेवलपमेंट हो गया फिर पोस्ट नेटल डेवलपमेंट भी दो दो भाग में डिवाइड है एक हो गया फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और एक हो गया सोशल एनवायरनमेंट आपका पोस्ट नेटल में आ जाता है ठीक है हाँ मैं वही बोला कि एनवायरनमेंट प्री नेटल एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे ओनली प्री नेटल बोले आप प्री नेटल किसको बोलेंगे पोस्ट नेटल किसको बोलेंगे इसको थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ठीक है तो ये ओवरऑल हो गया एक मतलब कौन सा फैक्टर आपका डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है ये सब पॉइंट याद रखिए मैं इसको बिल्कुल आपको समझा दूंगा आगे नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ इधर ही हेरिडिटी मतलब आपको मालूम है जो कि आपका वंशन मतलब पीढ़ी पर पीढ़ी मतलब एक
फादर से, एक पेरेंट से एक बच्चे को, जैसे कि कलर हो गया, नहीं तो बहुत कुछ जीन्स के थ्रू ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर होता है, वही चीज़ है। ठीक है, एनवायरनमेंट भी बहुत एक बच्चे का डेवलपमेंट में बहुत क्या करता है, इफेक्ट डालता है। जैसे कि बच्चे लोग इधर लिखे, माँ पेटरू प्री नेटल देवस्मिता, देवस्मिता हाँ, प्री नेटल मतलब होची पिलाटा जन्म होबार पूर्व समय है ना, सेटा को आम कह प्री नेटल। पोस्ट नेटल होची जन्म होबार पर, तो सभी लोग सही लिखे, बर्थ से पहले हो गया आपका प्री नेटल, बर्थ से बाद आपका हो गया, एक बच्चा पैदा होने का बाद हो गया सिचुएशन जो कि पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल को फिर दो भाग में डिवाइड, एक फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा रहता है, और सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट किसको बोलेंगे, मतलब फ्रेंड सर्कल, उसका नेबर मतलब पड़ोसी वगैरह, और ऐसे फादर मदर, ये सारे चीज हो गया सोशल में आ गया। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन था इसको हम, और उसके बाद वही सेट क्वेश्चन फिर से है कि एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट। सही है, एनवायरनमेंट एक्सटर्नल है ना, थोड़ी ना ये इंटरनल है, एक्सटर्नल सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद डैश आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट, मैं अभी बोला पेरेंट से बच्चों तो क्या होता है, क्या ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसमिट होता है ना, जीन्स। नो टू इंडिविजुअल हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल एक्सपेक्ट द इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन। वो ये लिखा है कि दो बच्चा है, ये दो बच्चा है, ठीक है, ठीक है, ये दो बच्चा है, इनमें से कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, ऐसे नहीं कि पूरा सेम हो जाएगा। और हाँ, जब आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, ठीक है, तभी थोड़ा थोड़ा सेम रहता है, नाले कुछ तो, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्ट टू इन्फ्लुएंस, तो वही तो मैं बोला ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस डालता है, जो कि मैं ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अरे पिला शॉर्ट क्वेश्चन थिला, मु ओवरऑल तमानो को बुझे दे लीजिए, ये चैप्टर रे एमती किछि न थिला, जे शॉर्ट क्वेश्चन थिला हमें तो कवर कर देले, जोटा कि तमा एक्सरसाइज रे आंसर सब कवर कर देले, किंतु प्रॉब्लम हो छि कोनो ना, आठ अलग क्वेश्चन भी पढ़ी पारे, सही पे मु किछि एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखी छि, जोटा कि मु एबे पढ़ेबी, पिला को मन रखिबो, तमे एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट हैला। तो चलो एक्स्ट्रा काने देखो, आमे जति पढ़ी देले ठीक अछि, बहिर क्वेश्चन दे सादर, किन ताठु म जेहेतु ए चारटा ब्याज तमरो कलानी, सो गोटे यूनिट रे किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन अछि कि नै निहाते आमे जानि परछु, आ जोटा कि एबे तमहु जणै देले, तम हाथर गोटे वर्ष समय अछि परीक्षा पई, जदि तमे जनवरी 2022 पिला, तमे जदि जुलाई 2021 पिला, तथापि 6 मास अछि, तो तमे एबेटु पढ़ि देले तमानो पई भलो हने नै। ओके, 16 जण पिला, चलो लाइक कर, समस्त लाइक केतरा हिज देखे, अरे पिला लाइक जमा ही नहीं, लाइक कर, लाइक कर, और समस्त निहाते क्लास को चारिआड़ को शेयर करिबो, 9टा बेले क्लास को आसिबो। ओके, तो प्रथम पहले अभी देखेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन, में अभी पढ़ा के आया ना आपको, थोड़ा थोड़ा बताया था ऊपर, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, चलो दोनों देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन मीन्स द डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इन एबो प्रोसेस डेवलपमेंट वाज सीन टू प्रोसीड फ्रॉम आइडेंटिकल सेल टू कॉम्प्लेक्स टिश्यू each of which has its own specific function. These cells are acquired the different characteristics and form the different tissue like nerves, bone, blood and for is having the special function. मतलब आपको differences में इतना लिखना है, लिखा है स्पेसिफिक फंक्शन याद रखिए, मतलब ऐसे डिफरेंशिएशन हम उसको बोलेंगे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लिखा है कि डिफरेंट मीन डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इधर तक लिखना है पहला पॉइंट, कि डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ जनरल मतलब ओवरऑल टू स्पेसिफिक। ये जो स्पेसिफिक मतलब लेट से एक ब्लड, ब्लड का काम क्या है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन का, एग्जाम्पल अब लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन इज ब्लड। तो ब्लड का काम क्या है ना, ब्लड का काम है शरीर का एवरी पार्ट को वो क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, फूड जो कि न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, ब्लड का काम है मतलब आपका सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं उसको, सर्कुलेशन। तो ब्लड का काम क्या है, सर्कुलेशन। तो फिर उसको स्पेसिफिक फंक्शन मिल गया, मैं ब्लड सर्कुलेशन करता है कि नहीं, पूरा ओवरऑल सर्कुलेशन ब्लड का काम है।
तो वही चीज है, एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल गया तो इसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, पिला बुझी पलो। लीलिमा प्रधान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस राति 9 हम ग्रुप रे जणैछि, सबुआडे जणैछि, इठी आउ पुणी कोन एक्स्ट्रा कहिबी कहिबी सारछि ए क्लास रे, सो डोंट वरी। ओहो सॉरी 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 सॉरी, सुभद्रा नायक पचारथिले, लीलिमा आंसर दैछन्, ओके ओके ओके। पिला इठी ध्यान दे, पिला इठी ध्यान दे, हैला। तो डिफरेंशिएशन मीन्स यही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना कोई भी प्रोसेस, जैसे कि कुछ जनरल से स्पेसिफिक होना, मतलब एक ब्लड का काम क्या है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड, एवरी हमारा बॉडी का एवरी पार्ट को ब्लड क्या करता है ना, फूड सप्लाई नहीं तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है कि नहीं, एक स्पेसिफिक काम है ब्लड का, तो इसी को बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या लिखना है, लिखना है इतना, डिफरेंशिएशन मीन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इतना चीज लिखना है। एग्जाम्पल में लिख देना है ब्लड, बोन्स, नर्व्स, इतना इतना लिख देने से हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया आपका डिफरेंशिएशन। चलो इंटीग्रेशन क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन मीन्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट टू फॉर्म ए इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखो आ गया ना, मैं वही बोल रहा था कि वेरियस जो पार्ट हो गया उसका कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन होगा और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। मैं जैसे कि आपका एक डाइजेशन सिस्टम का एग्जांपल दिया था, पहले माउथ का यूज हुआ, उसके बाद इसोफागस का यूज हुआ, उसके बाद स्टोमक का यूज हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सभी का यूज होने के बाद आपका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन हो गया, सभी का कोऑर्डिनेशन हुआ और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक डाइजेशन, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाँ कि नहीं, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। मैं आशा करता हूँ समझ में आया आप लोगों को। देखो अरे पिला इतने, अरे क्लास भीतर इतने कहाँ की टेंशन, समस्त कहूँ प्लीज क्लास प्रति ध्यान दियो, बही को ताजा पर रखी दियो, बही को पढ़ीबार ही नहीं, बही को पढ़ी की किसी कर पारे, बही को रखी दो ताजा पर मुझे जहाँ भी एडमिशन करुच्ची कहार बही को अलाउ करनी, बही टोटल किणा मानते 450 डिस्काउंट हो जाए बही न, जब एडमिशन कला बेल जब बही न 450 डिस्काउंट हो, कारण बही के आणिकी भी कौन करता पढ़ी तो पढ़ी तो तुम्हें से समय दे पार पढ़ले भी तरह आंसर ना, मैंने तुम जो एक्सरसाइज आंसर सो आम आप्लिकेसन में सब जिन अच्छी, बही भी अच्छी ता सहित तार आंसर भी अच्छी, आ सहित आमको भिडियो भी मिल जाए सही, ता सहित मो क्लासेस भी सही मिल जाए, सो बही किसी नेसेसरी ना, बही खेलवा दरकार ना, मात्र तुम जी पचारल क्वेश्चन सर पढ़वी कमी, मात्र एटा तुम हूँ डे 6 क्लास, तो ता पूर्व जितकी भी क्लास है 1 रु 5 पर्यटन क्लास ही कम से 5टा भिडियो देखी दि, तुम पाठ कम्प्लीट हो गला, व्यस्त हो गला। तो इंटीग्रेशन मान सब मिसिकी गोटे कम्प्लेक्स प्रोसेस हम, तो है तो चलो तापर हूँ तुम ये तो हिंदी में लिखीदेगी, आसला मुझे जोटा कहूली जे व्हाट इज क्रिटिकल पीरियड, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रिटिकल पीरियड, तो आप लोग को अभी समझ जाना है और एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लिखना है। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए, ठीक है सुनिए, अभी थोड़ा क्लास में ध्यान दीजिए, और मैं देखिए सभी को बोल रहा हूँ, ये जो क्लास है ना ओडिया कहीदेगी, ये जो क्लास सबुबले तुमको रेकर्डेड मिले, तुम एम क्वेश्चन पचारे आंसर मिलवनि, तुमको कौन कर पड़े, आज मुझे लाइव मुझे फ्री अच्छी लाइव अच्छी, बट तुमने कौन कर ना क्लास तुम जो दिन राति 8 कितना क्लास हम सब दिन लाइव हम, बट मुझे कितना लाइव हम, तुम लाइव क्लास देख देखी सारापर कमेंट बक्स में पर मुहूर्त तुम क्वेश्चन पचारदे पलिजो, मुझे कमेंट बक्स में तुमको आंसर देदेवि, सही हूँ बेटर हुए, ना ओआरएस भी फ्रेंड सर्कल ग्रुप अच्छे से पचारि पार, ना रेगुलर क्लास कले मुझे सबूत प्राय सब कथा कहीदे तुम्हें जाणीज, सो किसी व्यस्त ना, ये क्लास प्रति ध्यान दे, जे कह हिंदी तुम्हें जेकोसी लांगुएज परीक्षा दे पार, सही व्यस्त, तुम हिंदी एडमिशन कर था इंग्लीश परीक्षा दे पार, तुम्हें इंग्लीश एडमिशन कर था हिंदी परीक्षा दे पार, सो नो प्रॉब्लम। सो क्रिटिकल पीरियड क्या है, देर आर सम पीरियड इन लाइफ ऑफ द चाइल्ड दैट आर क्रूसियल फॉर डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ द चाइल्ड हैज फेवरेबल एक्सपीरियंस फॉर हर डेवलपमेंट इल इज फोस्टर्ड, वही मैं बता रहा था कि एक बच्चे का डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा सिचुएशन है क्या है,
ना चाहे जो मतलब एक टाइम है, इसको क्रिटिकल इसलिए बोलते हैं कि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे का डेवलपमेंट के लिए। उसको अच्छा फेवरेबल एक्सपीरियंस मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो उसका डेवलपमेंट फोस्टर्ड माने अच्छा होगा। इफ इस सिचुएशन में उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उस वो क्या होगा ना, उसका डेवलपमेंट सफर करेगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। एट दैट टाइम द उसको जो डैमेज होगा वो बाद में उसको भी सही नहीं कर पाएंगे। जैसे लेट से 4 साल हो गया एक बच्चे को, उसका हेल्थ मतलब पहले से, जैसे कि आप लोगों को मालूम है गांव में आप देखे होंगे कि जो बच्चा बचपन से दुबला पतला से उसको ठीक से खाने के लिए नहीं मिल रहा, वो लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रह जाता है। क्योंकि ये जो बचपन का जो पीरियड है, जो क्रिटिकल पीरियड 0 to 2 ईयर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हम आशा करते हैं इधर तक समझ में आया। चलो उसके बाद नीचे देखेंगे। द पीरियड व्हेन ए चाइल्ड इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू द कंडीशन इन हर एनवायरमेंट आर रेफर्ड द क्रिटिकल पीरियड। क्या लिखा है, क्या लिखा है ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिए कि द पीरियड व्हेन द चाइल्ड इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू द कंडीशन इन हर एनवायरमेंट आर रेफर्ड टू द क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड। क्या लिखा है, क्योंकि ये जो पीरियड है बहुत सेंसिटिव रहता है ये बच्चा एनवायरनमेंट के ऊपर, मतलब उसको जैसे सिचुएशन मिलेगा, जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा, बच्चा उसी हिसाब से बनेगा। तो इसीलिए बहुत क्रिटिकल है ये पीरियड। ये क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड इज दैट टाइम ऑफ पीरियड लाइफ व्हेन द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हैज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्पेसिफिक एक्सपीरियंस अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मोर देन दे डू लेटर। मतलब वही लिखा है, इस टाइम पे एक बच्चे को बहुत ज्यादा क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट रहता है, बाद में इतना नहीं रहता है। सेम चीज बार बार लिखा है। ठीक है, आशा करता हूँ आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये क्रिटिकल पीरियड क्या है ना, आपको इतना ही सिर्फ बोलना है जे यही टाइम रे जदि ताको भलो सबु प्रकार खाइबा पीबा रहिबा सबु प्रकार जदि भलो मिलला ताले पिलार भलो डेवलपमेंट हबो, जदि खराब मिलला ताले खराब हबो। एति ही लेखा हिची आ ए कथा को आइ जे सेइति पई ए टाइम बहुत इंपोर्टेंट। ठीक अछि, म आशा करछु पिला 21 जन पिला तमाने बुझी पालो। एति किन थिला आजिर तमाने इंपोर्टेंट जिंस, म आशा कर तमाने बुझी पालो। आमे टोटल कवर कर देले तमारे डी सी माने गोटी क्लास रे यूनिट 3 कंप्लीट हे।